हमारे साथ आज जो फैशन के जो मेन मेन टाइटल्स होते हैं उनमें आज हमारे साथ मिसेज ओरिफ्लेम सपना जी मौजूद हैं और भी इन्होंने फैशन जगत में टाइटल्स हासिल किए हैं। कैसे इस जर्नी में इनका आना हुआ ये बता रहे हैं कि हाउस वाइफ से इन्होंने इस तरफ रूप मतलब इस तरह कदम बढ़ाए हैं और चूँकि जयपुर तो एक फैशन जगत की एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है तो भारत न्यू टी प्राइम के माध्यम से हम मिलने जा रहे हैं सपना जी से जो आज हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जर्नी शेयर करेगी लोगों को फैशन जगत के बारे में। ओके नमस्ते। आप पूछिए। मेरी जर्नी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ लेकिन बचपन से सपना था मेरे को कुछ बनने का, कुछ करने का। लेकिन मैं MP के बहुत छोटे से शहर डबरा से हूँ और मेरे पापा किसान हैं तो ये सब मुमकिन नहीं था उस टाइम। लेकिन शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरा ये सपना हकीकत में बदल दिया। तो जब उन्होंने इसके बारे में सुना, मिसेस इंडिया वगैरह इनके बारे में, तो उन्होंने मुझे ऑडिशन दिलवाए, मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं फाइनलिस्ट बनी। अब मैं ग्रीस में फिनाले में जा रही हूँ अपने राजस्थान को प्रेजेंट करने। बड़ी रोचक बात कही कि आपके फादर ने आपको इस तरफ प्रेरित किया। ये अपने आप में बहुत कम ऐसा चांस होता है और आप ग्रीस जा रही हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं। कोई मैसेज आप गर्ल्स को देना चाहें जो गृहणियाँ हैं, क्योंकि मिसेज इंडिया मिसेज जो टाइटल थे उसके बारे में आप संदेश दे सकती हैं महिलाओं को? जरूर, क्यों नहीं। मेरा मानना है कि शादी के बाद ये नहीं है कि हम कोई भी अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। अगर हम ठान लें कि हमें अपना सपना पूरा करना है तो हमारा सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता और वो सपना ज़रूर पूरा होता है। तो हाउस वाइफ हो या वर्किंग वूमन हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने सपने को पूरा करने की कोशिश ज़रूर करें।